केरल में 11 साल पहले एक लड़की की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब जाकर पता चला है कि ये लड़की पड़ोस में ही अपने प्रेमी के कमरे में छुपकर रह रही थी। ये मामला केरल के पलंगड़ के अयालपुर गांव का है, जहां घर वालों ने 11 साल पहले लापता लड़की को खूब ढूंढा, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी। अब जाकर पता चला है कि ये लड़की इतने सालों से पड़ोस में ही रह रही थी अपने प्रेमी के साथ। हैरानी की बात तो ये है कि लड़के के घर वालों को भी इस बात की भनक नहीं लगी। ये बात है 2010 की, जब संजीदा 19 साल की उम्र में घर से लापता हो गई थी और घर वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 11 साल बाद अब जाकर लड़की का पता चला है। दरअसल संजीदा अपने माता पिता के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर रह रही थी। वो अपने प्रेमी रहमान के साथ 10 साल से रह रही थी। हैरानी वाली बात तो यह है कि संजीदा इतने लंबे समय से वहां रह रही थी, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चला और फिर प्रेमी भी लापता हो गया। चुप चुप कर रहने वाली इस जिंदगी से तंग आकर मार्च 2021 में रहमान भी अपने घर से लापता हो गया था। उसके घर वालों ने भी गुमशुदे की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एक दिन रहमान के भाई ने उसे सड़क पर देख लिया और वो उसे घर चलने के लिए कहने लगा, लेकिन रहमान तैयार नहीं हुआ। रहमान के भाई ने इस बात की सूचना पुलिस को दी और रहमान को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में रहमान ने सारी कहानी बताई। रहमान ने बताया कि वो एक किराए के घर में रह रहा है और संजीता भी उसके साथ वहीं रह रही है। 2010 से लेकर अब तक की सारी बातें रहमान ने बताई। 11 साल पहले संजीता अपना घर छोड़कर रहमान के घर आ गई थी और दोनों ने बिना घर वालों को बताए एक साथ रहने का फैसला कर लिया था। रहमान अक्सर अपने कमरे में ही रहता था और जब कोई उसके कमरे में जाने की कोशिश करता तो वो गुस्सा करने लगता। रहमान अपना खाना भी अपने कमरे में ही जाकर खाता था। बहुत सालों तक दोनों की जिंदगी ऐसी ही चलती रही। हैरानी की बात तो यह है कि रहमान के कमरे में ना टॉयलेट था और ना ही बाथरूम। ऐसी स्थिति में संजीदा रात को घर वालों के सो जाने के बाद खिड़की से बाहर आना जाना करती थी। रहमान ने बताया कि वो इस तरह रहते रहते तंग आ गए थे, इसीलिए मार्च में दोनों ने घर से भागने का फैसला किया। पुलिस ने सारी जांच करने के बाद दोनों की बात सच मानते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने रहमान और संजीदा को साथ रहने की इजाज़त दी। आपको हम बता दें कि संजीदा अब 29 साल की हो चुकी है और रहमान 34 साल के हो चुके हैं और दोनों साथ रहते हैं किराए के कमरे में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।